कहते हैं संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। क्या कुछ ऐसा ही हो गया है? अचानक से ब्राजील ने एक बड़ा झटका दे दिया है चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग को। और बड़े कमाल की बात है कि सी जिनपिंग ब्राजील पधारने वाले, उससे पहले ही ब्राजील ने एक्शन ले लिया है। लेकिन क्या कहीं भारत का रोल तो नहीं है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया का तीसरा सबसे खराब देश बन गया है पाकिस्तान। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो रेटिंग आई है वो रेटिंग कह रही है। और इसके बाद पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन क्या है वो भी जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंधाधुंध की साइबी और घटाटोप को राज। किसी भी देश, पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर राजा सही नहीं है, अगर कानून व्यवस्था सही नहीं है, प्रशासन सही नहीं है, तो वो देश फिर कभी भी उठकर खड़ा नहीं हो पाता है। बाद बाकी चीजें छोड़ दीजिए कि वो देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसकी जनता भरपेट खाना खाकर सो पाएगी चैन की नींद की नहीं, वो भी निर्धारित नहीं रहता है। और ये वर्षों से होता आया है। अब ऐसे में एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट ने चौंका दिया है। क्यों चौंकाया है? क्योंकि नीचे से तीसरे पायदान पर है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे खराब देश। अब ऐसा क्यों माना जा रहा है? स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक मैप, और इस मैप में दिखाया गया है कि दुनिया भर में कौन कौन से देश हैं जिनके यहाँ कानून की व्यवस्था या फिर नागरिकों की सुरक्षा या न्याय या अपराध पे कंट्रोल या भ्रष्टाचार पे कंट्रोल, ये सब कुछ हो। और ये जो मैप है ना, इस मैप में सबसे लास्ट में कौन है, ये जिज्ञासा बड़ी होगी आपके मन में। तो सबसे लास्ट में कौन है? वेनेजुएला है। वेनेजुएला के ऊपर इस वक्त बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। स्क्रीन पर द प्रिंट की एक खबर देखिए, जिसमें कहा जा रहा है इनके जो लोकल अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, इनको ही ऊपर कटका दिया। अब जिसके हाथ में लाठी है सारी भैंस उसकी हुई, ऐसा ही सीन कुछ वेनेजुएला में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए, वेनेजुएला के प्रेस ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे जर्नलिस्ट कहाँ गायब हो गए, ढूंढो इनको, क्योंकि अच्छी बड़ी संख्या में ये गायब हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ बोला तो बस अगले दिन कहाँ मिलोगे कहना मुश्किल है। वेनेजुएला के अलावे यहाँ पर एशिया में चर्चा किस देश की हो रही है? एशिया में चर्चा हो रही है पाकिस्तान की। अभी अगर मीडिया हाउस को देखेंगे तो मीडिया हाउस में इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर मैप थोड़ा अजीब सा दिखाया है, पर ये है पाकिस्तान। भारत के इलाकों को भी इस मैप में अपना दिखा दिया गया है। इस पाकिस्तान में इन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग दी है, पाकिस्तान की रेटिंग यहाँ पर 0.38 है, यानी 142 देशों में इनकी रेटिंग है 129। और रीजनल की बात करें तो 6 में 5वां है। इनकम की बात करें तो यहाँ पर 38 में 30 है इनकी रेटिंग। और इससे भी खराब हालात में आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान और वेनेजुएला। और जहाँ तक अच्छे देशों की बात करें, जहाँ पर सब ठीक ठाक है, यहाँ पर आप देखिए कनाडा की रेटिंग है 12, इसके अलावे अमेरिका की रेटिंग है 26। हालांकि कनाडा से बुरा हाल बताया जा रहा है अमेरिका का, खैर। और सबसे ज्यादा अच्छे पोजीशन में कौन है? स्वीडन है 4 पर, नॉर्वे है 2 पर। तो ये देश जो है, जर्मनी वगैरह है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था वगैरह सब कुछ ठीक है। पर भारत की बात करें तो भारत का है 79, चाइना की बात करें तो चाइना का है 95, यानी कि कम से कम चाइना से बेटर पोजीशन पे भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, और पाकिस्तान से तो काफी ज्यादा बेहतर पोजीशन पर है। अगर हम कहें कि पाकिस्तान में और भी ज्यादा डिटेल में क्या है, तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर ये कुछ कैटेगरीज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के पावर को लेकर, इसमें इनकी रैंकिंग बताई जा रही है 103। भ्रष्टाचार को लेकर इनकी रैंकिंग है 120। कितना खुला गवर्नमेंट है इसको लेकर है 106। क्या मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए हैं 125। ऑर्डर और सिक्योरिटी कैसा है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 100।
39 और इसके अलावा कई सारे जो फैक्टर हैं, पाकिस्तान 127, सिविल जस्टिस 128, क्रिमिनल जस्टिस, ये सारी चीजें बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुव्यवस्था फैली हुई है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और ये सब क्यों कहा जा रहा है? ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें दिखती हैं। वहीं थोड़ा अजीब सा लगा कि यहाँ पर अमेरिका को भी उसी तराजू से ये तौल रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो ये रेटिंग देखने को मिल रही है, ये रेटिंग इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। वैसे जहां एक तरफ पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे खराब देश घोषित हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राजील ने भी एक कमाल कर दिया है। दरअसल मामला ये है कि शी जिनपिंग ब्राजील पहुंचने वाले थे और ब्राजील पहुंचने से पहले शी जिनपिंग के मन में बहुत सारे प्लान थे। शी जिनपिंग चाहते थे कि यहाँ जब वो पहुंचे तो जोर शोर से एक घोषणा हो कि ब्राजील अब शामिल हो रहा है बीआरआई में और बीआरआई में शामिल होकर हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बड़ा झटका इनको G20 में लगा था जब इटली की पीएम जॉर्जिया मिलोनी भारत आई थी और आधिकारिक तौर पर इन्होंने यहां पर घोषणा कर दिया था कि हम अब बीआरआई प्रोजेक्ट से अलग हो रहे हैं। 2019 में बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने वाला यूरोप का पहला देश बना था इटली, लेकिन जॉर्जिया मिलोनी के इस झटके के बाद चाइना एकदम से हिलसा गया था। फिर भी अपने रिश्तों को मैनेज करने के लिए इटली की पीएम जॉर्जिया मिलोनी चाइना पहुंची थी। जब चाइना पहुंची थी तो कई विशेषज्ञ ये कहने लगे थे कि शायद अब दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से बीआरआई चालू हो। बीआरआई तो चालू नहीं हुआ। इटली की पीएम क्यों गई थी? वो इसलिए गई थी क्योंकि वो चाहती थी बीआरआई छोड़ो लेकिन व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की दिक्कत न हो, हम व्यापार को आगे बढ़ा सके। इटली यूरोप में इकोनॉमी के मामले में थोड़ा कर रहा था और शी जिनपिंग ने उनको बहुत ही बढ़िया से आदर सम्मान से और काफी बढ़िया तरीके से समय बिताया। अब इटली की पीएम को लेकर चाइना इतना ज्यादा क्यों कर रहा था? तो इसके पीछे कारण ये है कि वो चाहता था कि यूरोपीय यूनियन में एक ऐसा देश हो जो हमारी तरफ से बात करे। यूरोप हमारे ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल में टैरिफ वगैरह लगा रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए और भी कई चीजों के लिए वो इटली को साथ लेकर चलना चाह रहा था। पर ब्राजील ब्रिक्स का मेंबर होते हुए इसने एक बड़ा झटका दे दिया। इन्होंने क्या झटका दिया है? इन्होंने कहा है कि देखिए, हम कुछ प्रोजेक्ट आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं, ये बात सही है, लेकिन बीआरआई के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर बीआरआई करें तो बीआरआई हम आपके साथ मिलकर नहीं करने वाले हैं। और इसी चीज को लेकर माना जा रहा है कि चाइना को अब एक बड़ा झटका लगा है, पर ब्रिक्स का अब दूसरा मेंबर बन चुका है ब्राजील। पहला भारत है जिसने बीआरआई को मना किया है और दूसरा अब ब्राजील है। वैसे बहुत सारे दुनिया के देशों को भारत के द्वारा लिए गए हर कदम का मतलब अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।